नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए कुमकुम भाग्य में, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, रणवीर इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में नजर आ रहा है और रणवीर ने साफ साफ धमकी भी दे दी है कि अगर खुशी को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम लोग अगर किडनैपर हो तो क्या हुआ, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा उस्ताद हूँ, मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इधर प्राची की बात की जाए तो प्राची वहाँ तक पहुँच चुकी है लाली को लेकर, क्योंकि प्राची ने बोल दिया था लाली से कि ये आदमी जो किडनैपर है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने खुशी को कुछ भी किया तो सोच लेना मैं पुलिस से तुम्हारा क्या हल करवाऊँगी। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फिलहाल रणवीर के पास में जिस तरीका से कॉल आ रही है, क्योंकि उनकी सभी एक प्लानिंग ही कि रणवीर और प्राची से हम बारी बारी से रुपया उठेंगे, क्योंकि दोस्तों रणवीर ने इस समय साफ साफ बोल दिया है कि तुम लोगों की मैं एक ऐसी हालत करने वाला हूं कि तुम लोग सपने में सोच भी नहीं सकते। और वाकई में दोस्तों ये एक रियल है कि इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहा है। बात की जाए इस वक्त की, तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कुमकुम भाग्य से कि आने वाले एपिसोड में जहाँ रिया ऑब्जेक्शन करती हुई नजर आने वाली है खुशी के लिए कि आखिरकार रणवीर तुम्हें इस छोटी सी बच्ची खुशी की इतनी चिंता क्यों है। अगर प्राची लेना चाहती है तो मेरी बहन की खुशी में खुश रहो, कि मेरी बहन लेना चाहती है प्राची इस समय तो ले लन दो, क्योंकि खुशी की जो खुशी है इस समय बहुत ही ज़्यादा सब पर मोहित हो रही है, क्योंकि दोस्तों रणवीर भी खुशी को लेना चाहता है और इधर प्राची भी लेना चाहती है। लेकिन दोस्तों कहानी में एक बार फिर से एक नया इंप्रेशन जमता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में वाकई में ज़बरदस्त ट्विस्ट के साथ साथ में ज़बरदस्त उछाल भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक और नया दिलचस्प ट्विस्ट लेकर आने वाली है दोस्तों। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।